हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ मी अंगद। एंड गाइस, आज मैं एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही लोग इसे मिसअंडरस्टूड करते हैं। तो रिसेंटली मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि UFC में कैसे जाएं, राइट? आपको दो चीज़ें समझनी होगी कि एक तो UFC है क्या, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और फिर जाने की मैं प्रोसेस आपको बताऊँगा, राइट? सो बहुत से लोग MMA और UFC में कन्फ्यूज़ होते हैं। देखो, MMA इज़ अ डिफरेंट थिंग। UFC ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, जैसे MMA की ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका नाम होता है UFC, राइट? अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप। जैसे इंडिया में मैट्रिक्स फाइट नाइट है, तो मैट्रिक्स फाइट नाइट MMA की एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? जहाँ फाइटर खेलते हैं, फाइट करते हैं एक दूसरे से। जैसे 1FC एशिया में होगी, राइट? मिडल ईस्ट में जैसे बहरेन में ब्रेव हो गया, तो ये MMA की ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? जैसे मेक्सिको में कॉम्बाते अमेरिकाज हो गया, USA में UFC हो गया, बेलाटर हो गया, तो ऐसी बहुत सारी लीग है, PFL, राइट? और UFC में नहीं, आप कहीं भी खेल सकते हो। आप 1FC में खेल सकते हो, आप मैट्रिक्स फाइट नाइट में खेल सकते हो, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि MMA के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली है क्या ये। सो बॉक्सिंग, जैसे हम बॉक्सिंग में बॉक्सिंग बोलता हूँ, तो बॉक्सिंग लाइक मैं पंच मार रहा हूँ, जैब क्रॉस हुक क्रॉस, राइट, पंचेस। और किक बॉक्सिंग मतलब पंचेस और किक, मैं दोनों मार रहा हूँ, इसे कहते हैं किक बॉक्सिंग। मुआय थाई में नहीं मारते हैं, एल्बो मारते हैं मुआय थाई। जिस्सु में ग्रैपलिंग करते हैं, सबमिशन लगाते हैं, उसे कहते हैं ग्रैपलिंग, राइट? जिस्सु रेसलिंग, आपको पता है रेसलिंग के बारे में, राइट? अब इन सबको कंबाइन करके इसे कहते हैं MMA, मतलब मिक्स मार्शल आर्ट। आपको सब चीज़ सीखनी होगी। तो जब सबसे पहले जब फाइट होती थी, UFC 1 हुआ था, तो उसमें ऐसा होता था कि कराटे वर्सेस बॉक्सिंग, कि कौन सी मार्शल आर्ट ज़्यादा सुपीरियर है, उस समय ऐसा था। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ कि जो एक बॉक्सर है, जैसे बॉक्सर वर्सेस रेसलर होता था पहले, तो बॉक्सर रेसलर एक बार बॉक्सर को ग्राउंड पे लेके गया, तब रेसलर जीत जाता था। या जिस्सू वाला है, वो गार्ड पुल करता था, सबमिशन लगाता था, वो जीत जाता था। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ कि जैसे बॉक्सिंग वालों ने रेसलिंग सीख ली, रेसलिंग वालों ने जिस्सू सीख लिया, तो इस तरीके से जो मार्शल आर्ट है ना, इवॉल्व होती गई और इसे मिक्स मार्शल आर्ट कहने लगे, कि मार्शल आर्ट का मिक्सचर हो गया है। और ज़रूरी नहीं है कि कराटे वाले को बस किक पंचेज ही आए, उनसे ग्रैपलिंग में आने लग गए। जो रेसलर है उन्हें जिस्सू भी सीख लिया, उन्होंने स्ट्राइकिंग भी सीख ली। सो ये इवॉल्व होते होते MMA बन, MMA कहते हैं जिसे आज हम, मॉडर्न मार्शल आर्ट हो गया, राइट? सो MMA मिक्स मार्शल आर्ट है, राइट? सो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UFC। तो नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि जस्ट लाइक दैट कि मुझे UFC जाना है। पहले आपको MMA अकेडमी आप ज्वाइन करो, एमेचर फाइट खेलो, एमेचर में एक अच्छा रिकॉर्ड बनाओ। परफॉर्मेंस मैटर करती है, हमेशा जीतना हारना मैटर नहीं करता है, आपकी फ़ाइट अच्छी होनी चाहिए। मैं हमेशा ये बोल के थक जाता हूँ लोगों के कि यार जीतना, इट डजेंट मैटर कि आपका 10 रिकॉर्ड है, 10-0 है आपका रिकॉर्ड एमेचर में, उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेशनल फाइटर बन जाओगे। ये कई बार आप बन सकते हो अगर छोटी मोटी लीग में खेलते हो, लेकिन बड़ी लीग वाले आपको ऐसे नहीं लगे, वो लेते हैं टैलेंट के बेस पे, आपके परफॉर्मेंस के बेस में, कि आपको कितना नॉलेज है, आपकी फ़ाइट कितनी इंटरेस्टिंग है, तब जाके आपको प्रोफेशनल डेब्यू कराएंगे। और मुझे मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, लाइक हर दिन कोई ना कोई पूछता है कि मुझे प्रोफेशनल डेब्यू करना है, मेरा रिकॉर्ड इतना है। आई एम सॉरी, लेकिन कई बार ये बातें आपको ऑफेंड कर रही होगी, कि पर मैं आपको ट्रुथ बोल रहा हूँ और रियलिटी बता रहा हूँ आपको, कि जो रियल चीज़ है वो बता रहा हूँ, राइट? सो फाइट रिकॉर्ड मैटर नहीं करता है एमेचर में। देखो, मेन परफॉर्मेंस मैटर करती है, आपका जो फाइट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसमें टेक्निक्स होनी चाहिए, राइट? टेक डाउन्स हो गया, ग्रैपलिंग हो गया, स्ट्राइकिंग, आप वो तो स्ट्राइकिंग अच्छी करो। सो लोगों को मज़ा आना चाहिए बाहर से देखने में। और अगर आप अंदर जा रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है, आप जीत रहे हो अपने माइंडसेट के ऊपर, या आपकी कंडीशनिंग अच्छी है, आप उसके बेस पे जीत रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनल फाइट मिले, राइट? आपको मिल सकती है, आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खेल सकते हो छोटी मोटी, जहाँ आपको पैसे नहीं मिलेंगे, खाली रिकॉर्ड के बेस में आप खेल सकते हो। सो वो चीज़ गलत है, राइट? आपको टाइम टू टाइम इवॉल्व करना है। एमेचर फाइट खेलो, एक फ़ाइट खेलो, फिर अपनी गलतियों को फिगर आउट करो, फिर मूव ऑन करो, फिर उन पर काम करो, इवॉल्व करो, अडेप्ट करो दूसरी फाइट के लिए। ऐसे करके एमेचर फाइट का ये फ़ायदा होता है, राइट? और टाइम टू टाइम आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी, एस्पेक्ट सीखने, बॉक्सिंग के एस्पेक्ट सीखने पड़ेंगे, ग्राउंड के सीखने पड़ेंगे, क्लिंच के सीखने पड़ेंगे, केज पे क्लिंच के सीखने पड़ेंगे, इस तरीके से तब आपको प्रोफेशनल फाइट मिलती है। अब देखो, जब आपको प्रोफेशनल फाइट मिलती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। सो अभी इंडिया में मैट्रिक्स फाइट नाइट है, राइट? और बाहर 1FC हो गया, तो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एकदम से आपको एंट्री नहीं मिल सकती है। तो पहले आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। इंडिया में और ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन जो टॉप पे है वो मैट्रिक्स फाइट नाइट है। सो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उनसे। तो कभी कभी सिंगल फाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि मुझे एक ही फ़ाइट करनी है,
कभी कभी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, 2 साल में अपनी वो टर्म्स रखते हैं, कंडीशन रखते हैं जो जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है कि साल में 3 फाइट मिलेगी, साल में 2 फाइट मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, अगर आप ठीक हो हाँ मुझे ऐसा करना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो उनसे। लेकिन चीज़ें देख के करनी चाहिए हमेशा, कि ऐसे नहीं कि जस्ट लाइक दैट किसी ने बोला साइन करो आपने साइन कर दिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और शायद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट का, ऑर्गेनाइजेशन का, कहाँ से क्या करना होता है, एंट्री कैसे होती है, राइट। तो फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो किसी से, क्योंकि जो आपको फ़ाइट मिलेगी वो आपके टैलेंट के बेस में मिलेगी, राइट। और सपोज़ यू नो देखा देखी में हम कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते कि हाँ मैं प्रोफेशनल फ़ाइटर बन गया हूँ, लेकिन तब पता चलता है कि यार अभी तो मेरे अंदर बहुत कमियाँ हैं, और प्रोफेशनल फिर फाइट नहीं मिलती है, फिर आप ऐसी कैसी रह जाते हो, राइट। तो ये तरीका होता है प्रोफेशनल डेब्यू करने का, राइट। ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं कर रहा हूँ, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है आपको फ़ाइट मिलती है। अब बात ये होती है कि जब मैं UFC की बात करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है, यू नो फाइट कर रहा हूँ तो एकदम से लड़कों को लगता है कि एमेच्योर नहीं खेलनी हमें, हमें सीधा प्रोफेशनल डेब्यू कर। ऐसा होता है जो छोटी लीग्स होती हैं, जैसे नाम नहीं लूँगा मैं, इंडिया में छोटी छोटी लीग हैं उनमें ऐसा होता है कि जो बच्चे आते हैं वो 2 एमेच्योर फाइट खेलते हैं या 1 एमेच्योर या डायरेक्ट प्रोफेशनल डेब्यू कर लेते हैं और जीत भी जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि हम प्रोफेशनल फ़ाइटर हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, राइट। तो पहले आपको ग्राइंड करना होता है, एमेच्योर फाइट खेलनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर प्रोफेशनल डेब्यू करना होता है इस तरीके से। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और फिर मैं आता हूँ ऑर्गेनाइजेशन पे, तो इंडिया में मैट्रिक्स फाइट नाइट है, बाहर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहले रिकॉर्ड सेट करने पड़ते हैं। अगर आपको बाहर फाइट चाहिए तो आपको जीतना होगा, आप ऐसा मत करो कि मुझे 1FC में चांस मिल रहा है तो मैं 1FC में खेलने जाऊँगा और मेरा इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, या मैंने कभी भी बड़े ज़्यादा अपोनेंट से लड़ाई नहीं की है और जस्ट इंडियन से लड़ाई की है और मैं एकदम से बाहर, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कई बार काफ़ी डेंजरस भी होता है कि जैसे यू नो कई बार आपका जबड़ा टूट गया या टांग टूट गया, हाथ टूट गया, फिर आप बैठे रहते हो, या ऐसी बहुत सा कॉमन चीज़ें हैं, और काफ़ी फाइटर्स का ना ऐसे में करियर ख़राब हो जाता है, एमेच्योर फाइटर का मोस्टली, क्योंकि एमेच्योर फाइटर में क्या होता है, एमेच्योर फाइटिंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लगती है मुझे तो। प्रोफेशनल फाइटर में ऐसा होता है कि बंदा टेक्निक से खेल रहा है, एमेच्योर फाइटर में बहुत ही कम लोग टेक्निक लगाते हैं, उठा के पटक देते हैं वो, राइट। कई बार पोक हो गया, आइज़ में पोक कर दिया, कहीं पर ग्रोइन पे मार दिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। सो इस तरीके से आपको प्रोफेशनल फाइट मिलेगी जब आपका एमेच्योर रिकॉर्ड अच्छा होगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मैं हमेशा इस बात पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, तब जाके मुझे और फाइट मिलती है। अगर मेरा सिर्फ जीतने पे ध्यान रहेगा तो मुझे लगता है कि मुझे और फाइट मिलती। सो ये तरीका है आपका, राइट। अब बात यह है कि UFC में जाएं कैसे, तो मैंने अभी तक आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, UFC क्या होता है, मैट्रिक्स फाइट नाइट जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। MMA के ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UFC, मैट्रिक्स फाइट नाइट, 1FC, बेलेटर MMA, कॉम्बाते अमेरिकाज, रशिया में जैसे ACB होती है, मैक्सिको में कॉम्बाते अमेरिकाज होती है, इस तरीके से। ओके ना, अब मैं आता हूँ कि UFC, राइट, UFC ज्वाइन कैसे करें ना। सबसे पहले तो MMA के बारे में बोलते हैं, इंडिया में जो हमारी सोसाइटी में MMA को लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आई एम वेरी सीरियस, लाइक कि MMA बहुत ही ज़्यादा टफ स्पोर्ट्स है, राइट। आपको मार पड़ते हैं, पंच पड़ते हैं, राइट, किक पड़ती है, रेसलिंग सीखनी है आपको, BJJ सीखना होता है, मुआई थाई सीखनी होती है, एवरीथिंग, इतनी सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन कितने लोगों को MMA के बारे में पता है, लाइक बहुत ही कम। हमारी जो कंट्री है, यहाँ जैसे बॉलीवुड या सॉरी आई मीन मूवीज़ हो गया या क्रिकेट हो गया, इन चीज़ों का ज़्यादा क्रेज़ है, तो इनके चक्कर में हम और चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हॉकी को आप देख लेते हो तो MMA तो बहुत दूर की बात है, यू नो ये तो अभी ग्रोइंग हो रहा है अभी। और दूसरी बात, पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि एक टैबू टाइप का है कि बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें मर जाते हैं लोग। ऐसा नहीं होता है सच में कि इंजरीज होती है, मुझे लगता है कि इंजरी इतनी डेंजरस होती है, लेकिन होती हैं, ऐसा भी नहीं होता है कि आप मर जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो पेरेंट्स को लगता है कि MMA में मर जाते हैं लोग, कि किक लगती है सर पे और मर जाते हैं ऐसे। तो मेरे घर वालों को भी ऐसे ही लगता था कि हाँ ऐसा कुछ होता है, तो मैंने कभी बताया नहीं था उन्हें कि मैं MMA करता हूँ। जब तक मैं एमेचर फाइटर था तो इतना कुछ खास मैंने बताया नहीं था, अपनी वीडियो कभी नहीं दिखाई थी, मैं घर से बाहर रहता था। सो इस तरह से मुझे कभी दिक्कत हुई थी जब मेरी हड्डी टूटी थी एक बार यहाँ की, जो थोड़ा बाहर आ गई थी, पर मैंने बताया नहीं था क्योंकि जो इंडियन के पेरेंट ना ओवर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए वही है, उनके लिए बहुत नई चीज़ है।
दूसरा बात है कि उनको लगता है कि वो WWE की तरह है, जैसे WWE में क्या होता है ज़्यादा ही दिखा देते हैं कि चेयर मार रहे हैं, वो सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं फिर नीचे गिर रहे हैं, और यू नो दो स्पेयर द रॉक बटिस्टा बॉम्ब इस तरीके की चीज़ें, राइट, कि लेग लॉक जो क्रिस जेरिको करता है घुमा के हो गया, बॉस्टन क्रैब जो भी है, राइट। सो लोगों को लगता है कि WWE ही UFC है, और WWE की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है इंडिया में, सच बताऊँ, इसलिए WWE इंडिया में आ रहा है। तो UFC या जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि UFC जब मार्केट बनेगा तब आएगी, वो मार्केट बनाने में अपना पैसा नहीं लगाएगी, राइट। कोई भी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट बनाने में पैसा नहीं, जब मार्केट बन जाएगा, जब उनकी ऑडियंस बन जाएगी, तब UFC इंडिया में आएगी जो ऑर्गेनाइजेशन, तब वो अपनी शायद फाइट इंडिया में कराएँ, राइट। सो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि UFC क्या होता है, सोसाइटी को पता चलना चाहिए कि MMA क्या होता है, मिक्स मार्शल आर्ट वालों को रिस्पेक्ट दो जो फाइटर्स हैं, राइट, क्योंकि ये रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं बजाय क्रिकेट से ज़्यादा, क्योंकि इसे क्रिकेट से ज़्यादा मेहनत है, क्रिकेट से ज़्यादा रिक्स है, सिर्फ खेलना नहीं होता आपको फ़ाइट करनी होती है। सो आई थिंक गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, सोसाइटी से मिलना चाहिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं फैमिली हो गया इनको MMA के बारे में बताना है कितनी मेहनत है। सो जब इतना सपोर्ट आपको मिलने लग जाएगा ना, शायद तब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे। कई बार आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार पड़ती है, बट आपको पता होना चाहिए कि एक MMA फाइटर बाहर एक सेलिब्रिटी टाइप का होता है, यहाँ कोई नहीं जानता MMA को। ओके गाइज, नाउ अब क्या होता है कि UFC में कैसे जाए, राइट, इसका जो मैं आगे की आपको मैं बात बताऊँगा कि UFC में जाना आसान नहीं है। पहली बात, एक UFC की फ़ाइट, ONE FC की फ़ाइट, बेलाटर की फ़ाइट, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इनमें। जैसे कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि यार UFC कब जा रहे हो, तो UFC जाना आसान नहीं है, या ONE FC कब जा रहे हो आप, तो वो आसान नहीं है क्योंकि जो बाहर के फाइटर हैं वो अलग लेवल के होते हैं, क्योंकि उनके नॉलेज है, वो बचपन से रेसलिंग कर रहे हैं, बचपन से कॉम्बैट स्पोर्ट में रहते हैं। मैंने अभी 22 साल की उम्र में या 21 साल की उम्र में स्टार्ट किया था MMA। सो हमारे यहाँ बचपन से जो एक चाइल्डहुड से नहीं सिखाते हैं ना, हमारे यहाँ तो एक कराटे होता है लेकिन कराटे इतना काम नहीं आता है MMA। सो अगर रेसलिंग में ग्राइंड बहुत ज़्यादा होता है, या BJJ हो गया, जिस हो गया, तो बाहर के लोग बचपन से ये करते हैं, सो उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वहाँ तो बिजनेस चलता है मिक्स मार्शल आर्ट का बिल्कुल। सो वहाँ एक अलग पहचान होती है MMA फाइटर्स की। सो जो मैं UFC की बात कर रहा हूँ, 5 के 5 राउंड जो फाइटर हैं वो अग्रेसिव रहते हैं, जो वर्ल्ड के ना आपके कुछ ऐसा होता है कि टॉप 10 फाइटर फाइट कर रहे हैं, जो UFC के टॉप 10 होते हैं, मतलब वो टॉप 10 मोस्ट डेंजरस मैन है ऑन प्लानट अर्थ, इस तरीके से, राइट। जैसे ड्रैगन बॉल जी होता था, ड्रैगन बॉल जी में आपने देखा होगा, मैं बहुत दिखता था कि एक टूर्नामेंट होता है, या कोई भी एनिमी हो गया उसमें टूर्नामेंट हो रहा है, आ रहे हैं पूरी धरती से लोग, तो वैसे ही UFC लगा लो आपकी, एक मॉडर्न क्या कहते हैं ग्लेडियर्स की वॉर होती है, अरीना हो रहा है, अरीना है, और जो भी वॉरियर्स हैं वो लड़ रहे हैं। सो इस तरीके से उन्होंने पूरा ऐसा दे रखा है उसको, UFC को। सो UFC सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 5 के 5 राउंड बंदे एग्रेसिव रहते हैं, टेक्निक लगाते रहते हैं, क्योंकि UFC में सिलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि वो देखते हैं कि इस बंदे से मेरी रीच बढ़ी है तो हम इसको ले लेते हैं, राइट। जैसे इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है तो इंडियन फाइटर काफ़ी ज़्यादा साइन हो रहे हैं अभी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन बाहर की ऑर्गेनाइजेशन शायद इसलिए भी लेते हैं कि अगर वो टैलेंट ना देखे तो इसलिए भी लेते हैं कई बार कि हमारी रीच बढ़ जाएगी, लेकिन UFC में ऐसा नहीं है। तो जैसे डाना वाइट कंटेंडर जो सीरीज़ होती है उसमें बंदे लड़ाई करते हैं, फिर देखते हैं कि जिसके अंदर एग्रेसिव भी है, फ़ाइट बोरिंग नहीं कर रहा है, टेक्निक है, इंटरटेनमेंट है उसमें, राइट। विल देखते हैं कि फ़ाइटिंग का एटीट्यूड हो गया, फ़ाइटर एटीट्यूड हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, ये सब चीज़ें काउंट की जाती है, तब जाके आपको फ़ाइट मिलेगी, जो मेन इवेंट हो गया या प्रीलिम्स होगा जो भी है, राइट। सो इसलिए UFC में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि, बट रियलिटी हमें समझनी चाहिए, इन्होंने जो कड़वा सच है वो आपको हमको समझना चाहिए कि मुझे रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, फिर मुझे काम करना अपने आप पे, फिर मूव ऑन करना पड़ेगा। सो अभी आप UFC मत सोचो कि UFC जाना है मुझे, ऐसा मत बोलो, ये बोलो कि मुझे एमेचर फ़ाइट करनी है। आप 10 साल अभी का देखो आपकी, मुझे अभी एकेडमी ज्वाइन करनी है, मुझे सीखना है, मेरा कोच सही होना चाहिए, मेरे पार्टनर सही होने चाहिए, मुझे नॉलेज लेना है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हो, राइट। एक साल होगा आपको, आप अमेचर फाइट खेलोगे, अपना नाम बनाओ, टेक्निक बनाओ, वीडियोस बनाओ, अपनी उठ पे काम करो, राइट, और आपकी फ़ाइट अच्छी होनी चाहिए, राइट। सो इस तरीके से आपका अमेचर रिकॉर्ड बनेगा, फिर आपको, आप जब अमेचर फाइट अच्छी करो, फिर आपका प्रोफेशनल डेब्यू होगा। प्रोफेशनल डेब्यू
डिपेंड करता है, आप अपना जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे डालो, लिंक भेजो जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोफेशनल एमएमए है, तो कोई ना कोई अगर आपके अंदर टैलेंट है तो डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा, राइट। सो ये सिंपल सी बात होती है। और यूएफसी तो एकदम से आपको मौका नहीं मिलेगा, खासकर जैसे हमारी सोसाइटी है, बट जैसे मैट्रिक्स फाइट नाइट हो गया जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर आपको चांस मिल सकता है, एक्सेप्ट जब आपकी फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो, एमेचर फाइट्स, राइट, कि लग रहा होता है कि प्रोफेशनल फाइटर खेल रहा है, कि आपका फुटवर्क अच्छा है, आपका डिफेंस अच्छा है, आपके शूट अच्छे हैं, आपका जिस्सू बहुत अच्छा है, आपका क्लिंच गेम अच्छा है, इसके बेस पर आपको फ़ाइट मिलेगी ना। आप मैट्रिक्स फाइट नाइट में कैसे जाना है, क्या करना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, बट फिलहाल ये है कि आप एमेचर पर काम करो, अपनी वीडियोज़ बनाओ, और वीडियोज़ अच्छी हैं तब यूट्यूब पर डालो, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी डाल रहे हो। सो दैट्स ऑल गाइस। सो ये तरीका होता है जो मैंने अभी आपको बताया प्रोफेशनल डेब्यू करने का। और यूएफसी का क्या मतलब है, यूएफसी एक एमएमए की ऑर्गेनाइजेशन है, एमएमए इज़ अ डिफरेंट थिंग, एमएमए क्या है कि मिक्स मार्शल आर्ट है, एमएमए मतलब मिक्स मार्शल आर्ट, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ मार्शल आर्ट, राइट। यूएफसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बेलेटर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, मैट्रिक्स फाइट नाइट एमएमए ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, राइट। सो नेक्स्ट टाइम आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे यूएफसी जाना है, नेक्स्ट टाइम आप ये बोलो कि मेरी एमेचर फाइट है, मैं उसमें कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो बहुत ही मतलब बहुत से मैं लाइक शॉक हो जाता हूँ कि जब मैं एमेचर फाइट देखता हूँ यूट्यूब पे जाके, कि लोगों को ये पता नहीं है कि माउंट कंट्रोल कैसे करना है, साइड माउंट कैसे कंट्रोल करना है, गार्ड कैसे रखने हैं जब किक्स आ रही हैं, राइट, रिफ्लेक्शन अच्छे नहीं होते हैं। सो इन चीज़ों पर अगर कोई काम करता है ना, कोई भी एमेचर फाइट ईजिली वो फाइट जीत सकता है ईजिली, क्योंकि अभी एमएमए का जो कल्चर है ना ग्रो हो रहा है अभी इंडिया में, तो अभी आपके पास टाइम है कि अभी आप डोमिनेट कर सकते हो इस स्पोर्ट को, अभी आप कैपिटलाइज कर सकते हो, अभी आप जितना ट्रेनिंग करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा टेक्निक सीखे आप सीखो, राइट, बेसिक से स्टार्ट करो, एडवांस पे जाओ, पोजिशन के बारे में पता करो, साइड माउंट क्या होता है, माउंट क्या होता है, माउंट कैसे कंट्रोल करना होता है, साइड माउंट कैसे कंट्रोल करना होता है, इस तरीके से स्ट्राइकिंग कैसे करनी होती है, स्ट्राइकिंग एमएमए के हिसाब से कैसे करनी होती है, स्ट्राइकिंग रेसलिंग के हिसाब से कैसे करनी होती है। सो जितना ज़्यादा आप नॉलेज लोगे उतना ज़्यादा आप इस गेम को समझोगे। सो नेक्स्ट टाइम ये नहीं बोलना है कि मुझे यूएफसी जाना है डायरेक्टली, जो एमेचर फाइटर है या जो एमएमए स्टार्ट कर रहे हैं, अब ये बोलो कि मुझे एमेचर फाइट करनी है, मैं क्या करूँ, राइट, मैं कैसे सीखूँ, मुझे क्या क्या कहाँ कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, राइट, कंडीशनिंग मुझे कैसे करनी है, कार्डियो कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारी चीज़ें, या फाइटिंग पर्सनैलिटी कैसे आपको बनानी है। सो गाइज आज के लिए काफ़ी है, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, और कुछ भी है यू नो जैसे आप पूछ सकते हो, नो बिग डील, थैंक यू।